आयत नंबर है 270। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. إنفاق सदक़ात का जिक्र हो रहा है, खर्च करने का बयान और उसके उसूल। अब तक जो उसूल बयान हुए, एक तो ये फी सबीलिल्लाह, अगर अल्लाह की राह में देंगे तो अजर कितना मिलेगा, कुछ कबूलियत की शर्तें हैं, कुछ बका की शर्तें बताई। कबूलियत की शर्तें ये इखलास होना चाहिए और दूसरी बात माल हलाल और तैयब होना चाहिए, अल्लाह की रजा के लिए दो ये बताया। और बका की शर्तें कि मन और अजान हो, तकलीफ मत दो, एहसान मत जतलाओ, ये सब बताया। दरमियान में एक मसला और बता रहे, वो है मन्नत का मसला, नजर का, मन्नत और नजर, इसको समझे, समझते हैं मेरा ख्याल में। मन्नत मानते हैं ना, ये मन्नत में ये फुला मन्नत मानता हूं, या नजर, उस नजर भी कहते हैं, मन्नत भी कहते हैं। अरबी में नजर कहते हैं और फारसी में मन्नत कहते हैं उसको, उर्दू में क्या मतलब। बस औकात हमारे मुआशरे में लोग करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर अगर मेरा फलां काम हो गया, जैसे बच्चे के दिन इम्तिहान में कामयाब हो गया तो मैं इतने रोजे रखूंगा, इतनी रकात पढ़ूंगा नमाज, या इतने पैसे अल्लाह की राह में दूंगा, या इतने गरीबों को खिलाऊंगा मैं, ये सब शक्लें बन सकती है, यू भी है। इसको मन्नत और नजर कहते हैं। जमाने जाहिलियत में भी लोग नजरें मानते थे सब। अब इसमें सबसे पहली बात तो ये है, तीन बातें हैं। पहली बात ये है कि अगर इंसान की मन्नत पूरी हो गई, यानी जो नजर उसने मानी थी, मन्नत मानी थी, अगर वो पूरी हो गई, उसका काम हो गया, तो वो उस जो उसने मन्नत मानी वो पूरा करना उस पर जरूरी है। अगर न हो तो फिर उसके जिम्मे लाजिम नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने मन्नत मानी कि मेरा फुना काम हो गया तो मैं ये काम इतने रोजे रखूंगा, काम हो गया तो फिर रोजे हैं, काम नहीं हुआ तो फिर रोजे नहीं है। एक बात, ये बात समझ में आ गई मैं। नंबर दो, बुखारी शरीफ की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला याति नज़रु लिल आदम बिशैइन व इन्नमा युस्तखरजु बिही मालुन मिनल बखील। शरीयत ने मन्नत को पसंद नहीं किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मन्नत को पसंद नहीं किया, फरमाया कि ये काम न करो, कि मन्नत कुछ नहीं कर सकता, लेकिन इतनी बात है कि बखील कंजूस आदमी का माल उससे निकाला जाता है। बस वजह क्या है, वजह यह है कि आमतौर पर जो आदमी मन्नत मानता है तो ये एक जाहिलाना सोचे, वो ये कहेगा कि मन्नत ने मेरा काम कर दिया, एक जहन ये बन जाते। दूसरी बात यह कि अल्लाह ताला से सौदेबाजी है कि अगर अल्लाह अल्लाह मेरे आपने मेरा ये काम कर दिया तो मैं ये करूंगा, भाई अल्लाह बेहतर समझते हैं। उसका बेहतर नेमल बदल क्या है, तरीका जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया है वो ये है कि कोई भी काम करना हो हमें, हम उससे पहले थोड़ा सा सदका दे दे अल्लाह की राह में, सदका वगैरह दे दे, और बाद में जब काम हो जाए तो हम वैसे अल्लाह की राह में सदका दे दें गरीबों को। कोई मतलब वो शक्ल नहीं बनी, काम हो गया बेहतर तरीके से हो गया, हमने क्या कि ये सदका दे दिया अल्लाह की राह में, सबसे बेहतर शक्ल ली, शरीयत ने इसको पसंद किया। लेकिन बार बार मन्नत अगर किसी ने मानी और काम हो गया तो उस पर पूरा करना जरूरी है उसका। नंबर तीन, मन्नत जो है ये चूंकि एक इबादत है, इबादत इस एतबार से कि किसी और की मन्नत मानना, जैसे गैरुल्लाह की कसम खाना जायज नहीं है,
अल्लाह के अलावा किसी और की कसम खाना जायज नहीं है, तो इसी तरीके से मन्नत मानना किसी और के लिए ये भी जायज नहीं है। हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि चूंकि एक इबादत है और इबादत अल्लाह के अलावा किसी और की नहीं होती, तो इसी तरीके से मन्नत किसी और की नहीं मान सकते। ये बातें समझ में आ गई मेरे ख्याल में। वमा अनफक्तुम मिन नफकतिन, और जो भी चीज तुम खर्च करो नफके में से, वमा अनफक्तुम और जो तुम खर्च करो मिन नफकतिन नफके में से, यानी सदके में से, सदका खैरात की शक्ल में, औ नजर तुम मिन नजरिन, या तुम मन्नत मानो किसी नजर में से, मन्नत में से, فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ, पस बेशक अल्लाह ताला उसको जानते हैं। अल्लाह ताला उसको जानते हैं। وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَار, और जालिमों के लिए कोई मददगार नहीं है। जो ज्यादती जुल्म करेंगे उनके लिए कोई मददगार नहीं। ज्यादती की मुख्तलिफ शक्लें हो सकती है, नाजायज मन्नतें मानते हैं, मन्नत मानी और उसको फिर पूरा नहीं करते हैं। हाँ, मतलब जालिम एक ऐसा लफ्ज है कुरान करीम में कि इसका वसी मफहूम बड़ा वसी है। काफिर के लिए भी इस्ते, अल्लाह के अहकाम को तोड़ना, अल्लाह की नाफरमानी करना, सब जुल्म हो जाती है। अब इसमें कम दराजात भी है, ज्यादा दराजात भी है। सबसे बड़ा जालिम वो है जो शिर्क करता है। इन शिर्क लज़ुल्म अज़ीम, शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है कुरान करीम कहता है। ऊपर जुल्म है, अल्लाह की नाफरमानी जुल्म है, ये सब जुल्म है। इन तुब्दु सदकात, तीसरा दूसरा मसला एक और बताया, सदकात छुपके देना बेहतर है या अलानिया खुल करके देना बेहतर है, इस मसले को भी कुरान करीम ने जिक्र कर दिया। अगर एक आदमी को अपनी नियत पर और अपने आप पर इतना एतमाद है मजबूत कि मैं अगर खुल के दूंगा तो कोई दिखलावे का शायबा पैदा नहीं होगा मेरे अंदर, लोगों का असर मुझ पर नहीं पड़ेगा कि लोग कहें हाँ भाई बड़ा खर्च करने वाला है, बड़ा देने वाला है, बड़ा सखी आदमी, कोई असर नहीं पड़ता। बस औकात होते ना, एक इंसान की आदत इतनी मजबूत होती है और हौसला इतना मजबूत कि लोगों के की तारीफ का असर नहीं होता उस पर। लेकिन एक तरगीब या इस हवाले से वो देता है, जायज है। और अगर एक आदमी को अपनी नियत पर एतमाद नहीं है, सो पता है कि मैं डावाडोल हो सकता हूं मेरी नियत, तो फिर उसके लिए अलानिया देना जायज नहीं है। लेकिन नियत खराब हो रही है ना, लेकिन हर सूरत में छुप के देना बहरहाल बहुत बेहतर है। जितना छुप के देना, हमें दाएं हाथ से दिए बाएं हाथ को भी पता न चले इतना। इसलिए तो मन और अजा वगैरह की सूरतें बताई। इन तुम दुस्वदाती तनिमाहिया, अगर तुम जाहिर करो सदकात को, जाहिर करके दो खुलकर, तनिमाहिया अच्छी बात है। वह इन तुफूहा, और अगर तुम उनको छुपाओ, वह तुहल फुकरा, और दो उन सदकात को फुकरा को, वहुआ खैरुल्लकुम, पस वो तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है तुम्हारे हक में, सवाब के एतबार से, अंजाम के एतबार से। वयुकफ्फिरु अन्कुम मिन सय्यिआतिकुम, और अल्लाह ताला मिटाता है तुमसे तुम्हारे गुनाहों को। वल्लाहु बिमा तअमलूना खबीर, अल्लाह ताला तुम्हारे अमाल से खबरदार है, देख रहा है। तीसरा मसला एक और है, काफिर को अगर आपके इलाके में कहीं भी काफिर है, उसको देना जाएगा या नहीं सदका, तो देखे जकात देना तो जायज नहीं है। ये तो मुसलमान गरीब का हक है, मुसलमान अमीर पर, जकात नहीं दे सकते काफिर को। सदका ही वाजिबा नहीं दे सकते। सदका ही वाजिबा का क्या मतलब है? जैसे किसी ने मन्नत मानी थी, या ईद के मौके पर जो सदका फितर देते हैं, सदका फितर वाजिब है ना, तो ये भी मुसलमान गरीब का हक है और ये काफिर को नहीं दे सकते। अलबत्ता नफली सदका उसको दे सकते हैं, जैसे आम ताउन के तौर पर, और सदके का सवाब मिलेगा आदमी को। लेकिन एक शर्त है कि वो मुहारिब ना हो,
मुहारिब का क्या मतलब है? इस्लाम का मुसलमानों का दुश्मन और मुखालिफ न हो। कुर्बानी का गोश्त अगर ऐसे मौके पर आ गए दे सकते, कोई हर्ज उसके अंदर नहीं, खुद वैसे नहीं ले जाने चाहिए, लेकिन अगर ऐसे आ जाते हैं या बैठ मांगने आ जाते हैं, ठीक है, खुद बाकायदे जैसे उस तरीके से बुक नहीं करना चाहिए। तो समझ रहे मुहारिब का मतलब? मुहारिब का मतलब अगर काफिर है, मुसलमानों का दुश्मन नहीं है, मुसलमानों का मुखालिफ नहीं है या इस्लाम का मुखालिफ नहीं है, एक आम काफिर है बेचारा अपने काम से काम रखता है बस, अपने उसको नफली सबका दे सकते हैं। कुरान ने यहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरू में देते थे, फिर आपने ये सोचा कि इनको हम क्यों दे, आपने देना छोड़ दिया, तो अल्लाह ताला ने फरमाया नहीं, नफली सबका दे दिया कर उनको। बाकी जकात के लिए तो पक्का उसूल है, वो तो उसकी तारीफ में यह आता है कि ये अमीर से लिया जाएगा, मुसलमान गरीब को दिया जाएगा, वो तो मुसलमान का हक है। लैसा अलैका हुदाहुम, फरमाया नहीं है आपके जिम्मे उनको हिदायत देना, वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा, लेकिन अल्लाह ताला हिदायत देते हैं जिसको चाहे। वमा तुन्फिकु मिन खैरिन, और जो भी चीज तुम खर्च करोगे खैर में से, माल में से, खैर से मुराद यहां पर माल है या जो भी है, किसी भी शक्ल में देते हैं गरीबों को। वमा तुन्फिकु फलि अनफुसिकुम, बस अपने नफूस के लिए, तुम्हारा अपना फायदा है उसके अंदर, फलि अनफुसिकुम अपने फायदे के लिए। वमा तुन्फिकूना, और नहीं खर्च करते तुम, इल्लब्तिगा वजहिल्ला, मगर अल्लाह ताला की रजा को चाहने के लिए, जो भी तुम कर रहे हो इसलिए करते हो कि अल्लाह राजी हो जाए, इत्तेगा चाहते हुए अल्लाह की रजा को। वमा तुन्फिकु मिन खैरिन, और जो भी तुम खर्च करोगे खैर में से, माल में से, युवफ़ इलैकुम, पूरा पूरा बदला तुम्हें दिया जाएगा उसका रहमत के दिन। वह अंतुम ला तुज़लमूना, और तुम्हारे ऊपर ज्यादती नहीं की जाएगी। अब चौथा मसला बता रहे आखिरी कि कहां दे, मसरफ क्या होना चाहिए, इसको कहते हैं मसरफ, सर्फ करने की जगह, अपने माल, अपने सदकात वगैरह कहां दे। यहां इजमाल है सूरह तौबा के अंदर पारा नंबर 10 में इसकी तफसील है, आठ मसारिफ का जिक्र किया, आठ आठ मसारिफ है यहां, उसमें से बतौर मिसाल के एक मसरफ का जिक्र किया है। लिल फुकरा इल्लजीना उहसिरु सदकात, किनको दें? फरमाया लिल फुकरा इल्लजीना उहसिरु फी सबीलिल्लाह, उन फुकरा के लिए है, फुकरा किसकी जमा है? फकीर की, उन फुकरा के लिए है, अल्लजीना उहसिरु, जो रोके गए, फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में, हमारे रोके गए अल्लाह के रास्ते में। असल में यहां इशारा हो रहा है अस्हाब सुफ्फा की तरफ, अस्हाब सुफ्फा, सुफ्फा तो देखा है जो मस्जिद नबी गए वहां जगह देखी है चबूतरा, जहां सहाबा कराम जो मुसाफिर आके रहा करते थे, जिनके घर वगैरह कुछ भी नहीं होता था। ये भी एक बड़ा अजीब दौर गुजरा है, ये तकरीबन होते थे सहाबा तो सब सीखने वाले थे, लेकिन जिनके घर थे वो तो घरों पर होते थे। ये एक तबका सहाबा में रहा जो बेचारे घर बार लुट पिट के आ गए, न कोई बच्चे हैं, न कोई है, न घर है मदीने में, उन्होंने अपना ठिकाना बना लिया, वहां वहीं होते थे बस, किसी ने कुछ ला के दे दिया, बैठ के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें सुना करते थे और हदीसों की खिदमत करते थे, बस हर वक्त बैठे रहते थे। जिहाद का हुक्म मिला, जिहाद में चले गए, वहीं बैठ के अपने लोगों को दीन सिखाते थे, दीन की बातें करते थे, सब उनका ये सिलसिला जारी रहता था। और इनके सरखेल हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु थे, ये तकरीबन आम तौर पर होते थे 80 और 90 के दरमियान लोग ज्यादातर, तो ये वहां होते थे। सारा गुजर औकात लोग जो भी लाके दे देते थे, अपना गुजारा चला लिया, मिल गया, मिला नहीं मिला तो बस अपना लगे रहते थे। ऐसे ऐसे वक्त भी आए, हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि कभी कभी भूख इतना सताती थी, इतनी भूख लग जाती थी, कोई चीज नहीं होती थी कि मैं गिर जाता था रास्ते में, बेहोश हो जाता था। तो लोग आकर के कोई चप्पल वगैरह सूंघाता था, कोई कहते मिर्गी का दौरा पड़ा है, कोई कहते खुदा की कसम मिर्गी नहीं, दो दो तीन तीन दिन तक लोग
कुछ खाना नहीं होता था, और वो सहाबा कराम गोश्त ला करके वहीं मस्जिद में कोने पे जो है वो एक जगह, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर मुबारक में तो प्लाट बहुत बड़ा था, मस्जिद कच्ची बनी थी, बाकी बाहर जगह पूरी खाली थी, और मस्जिद में भी वो मस्जिद इस अंदाज में बनाई थी कि नीचे उन्होंने वो कंक छोटे छोटे वो पत्थर होते ना क्या कहते हैं उसको, कंकरियां उन्होंने ऐसे बिछाई थी, उसी पे नमाज पढ़ा करते थे, बिल्कुल कच्ची मस्जिद थी। मैं कल देख रहा था उसके दज्जाल और हजरत महदी रज़ी अल्लाह के हालात देख रहा हूं आजकल ना, तो कहते दज्जाल आएगा ये ग़ज़वे उहद, ये जो क्या नाम है उसका, जो जबल उहद पे चढ़ेगा, यहां तक उसकी रसाई होगी, मदीने में दाखिल नहीं हो सकेगा, तो जब उसके साथ अपने लोग होंगे, जब ऊपर चढ़ेगा पहाड़ पे खड़ा होगा तो नीचे देखेगा तो मस्जिद नबवी नजर आ रही होगी, वो हद से नजर आ जाती है, बहुत साफ नजर आती है, बिल्कुल साफ ऐसी वाजह नजर आती है, ये भी बड़ी, फिर उसके मीनार भी ऊंचे हैं, और फिर उसका वो इमारत इतनी बड़ी है ना, तो दूर दूर से नजर आती है, तो अपने लोगों को कहेगा पता है ये वो सफेद महल जो नजर आ रहे हो क्या है, इमारत भी बड़ी खूबसूरत बनी है उसकी, उस सफेद, देखिए ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दौर बात फरमाई है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अभी तुम आपके जमाने में तो बड़ी कच्ची मस्जिद थी, पता है मस्जिद कैसी थी, नीचे बिल्कुल कच्ची जमीन, पिलर किस चीज के, खजूर के तने, और छत किस चीज की, खजूर की जो वो होती है ना शाखें वगैरह, इसकी छत होती थी। सहाबा फरमाते हम जब दाखिल होते तो ऊपर सर लगता था, और इतनी गर्मी होती थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर जुम्मे को कह दिया कि भाई अंदर जुम्मे के लिए तुम गुसल करके आया करो, इतना पसीना होता था सर गर्मी, लेकिन जो नमाजें बड़ी जानदार थी, अब मस्जिदें बड़ी जबरदस्त हो गई, नमाजें कमजोर हो गई, तो बड़ा अजीब तवाजन खराब हो गया। तो दज्जाल कहेगा वो सफेद महल नजर आ रहा है, ये अहमद की मस्जिद है, अपने लोगों को कहेगा ये अहमद की क्या है, अहमद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक नाम है ना, ये अहमद की मस्जिद है। फिर कहते हैं कि वो दो गुर्ज मारेगा, वहीं पहाड़ पे दो गुर्ज, उसके वो गुर्ज जोर से मारेगा तो पूरे मदीने में दो झटके लगेंगे जलजले की तरह, और जितने मुनाफिकीन और जितने फासिक हैं वो सब निकलकर उसके पीछे चले जाएंगे। मदीना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते यौमुल खलास वमा यौमुल खलास यौमुल खलास वमा यौमुल खलास यौमुल खलास वमा यौमुल खलास, खलासी का दिन, नजात का दिन। आपको मालूम है नजात का दिन क्या है, नजात का दिन मालूम है, नजात का दिन क्या है, नजात का दिन मालूम है, नजात का दिन क्या है, पर जब दज्जाल आएगा और दो गुर्ज मारेगा और मदीने के सारे लोग कहते 40,000 मुनाफिकीन यहां से निकलेंगे उसके पीछे, मदीना खाली हो जाएगा, सब नेक लोग रह जाएंगे, और कहते ये नजात का दिन है, मदीना जो है ना मुनाफिकीन से नजात पालेगा। तो ये है, ये क्या कहते हैं उसको, अहमद की, अहमद का महल, वो यानी ये अहमद का महल, अहमद का महल है। तो बहरहाल ये होते थे वहां कच्ची मस्जिद थी, कहने का मकसद बिल्कुल कच्ची मस्जिद, वो कोने पे एक तार लटका हो जैसे कपड़ों के लिए लटकाते ना, किसी का गोश्त होता था, कोई की चीज होती थी वो लाता था वहां लटका देता था बस, तो वो इसी पर अपना गुजारा चलाते थे, ये बैठ के हदीसों की खिदमत किया करते थे, इसके बगैर हो भी नहीं सकते। मैंने बड़ा तजुर्बा किया, देखिए मेरा अपना जो है ना, मैंने कहा कि मैं कम अज कम ये कारोबारी तबके में काम करता हूं, दीन सिखाता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह लिल्लाह फिल्लाह करता हूं, बिल्कुल मैं कहता हूं ये लोग माशरे के लोग हैं, लेकिन मैं बड़ी मेहनत के बाद, 6 साल तक मेहनत के बाद इस नतीजे पे पहुंचा कि हर काम के लिए अल्लाह ताला ने लोग रखे, हर शोबे के लिए अल्लाह ने लोग रखे। कारोबारी आदमी कितना भी काम दे दिन को, कितना भी वक्त दे, लेकिन बहरहाल वो एक कारोबारी है और वो अपना कारोबार करेगा, उसकी सोच, उसकी सलाहियत, उसका दिमाग ज्यादा वहां लगेगा। इस काम के लिए अल्लाह ताला ने इन तलबा उलमा को रखा है। आप अंदाजा लगाओ ये लोग खुसूसन हमारे सुबह सरहद से ये 7-8 साल की उम्र में बच्चों को लाके मदरसे में फेंक देते हैं, सालों साल गुजर जाते हैं, ये कभी अपने वालिदैन को नहीं देखते। कुर्बानी बहुत बड़ी है, वो अलग बात है कि वो अपनी सलाहियतों को बर्बाद करते हैं, मेहनत करते हैं, बहुत सारे मेहनत कर जाते हैं, लेकिन देखे दीन अब हमारे दुश्मन भी समझते हैं, अमरीका को देखे सब कहते, हालांकि कुछ नहीं किया, मदरसों में बैठे हुए पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं,
कहते हैं नहीं ये खतरनाक लोग है, ये तालिबान है ना ये खतरनाक है। हालांकि कुछ क्यों, वो समझते हैं कि मुस्तकबिल में ये लोग हमारे लिए खतरा बन सकते हैं, इसलिए कह रहे वो कुरान और हदीस की बातें ये चीजें होती। तो ये एक मसरफ का जिक्र किया है, बेहतरीन मसरफ है, लेकिन शर्त यह है कि जिस मदरसे पे इंसान का दिल टूटे जाए मदरसे को देखे उसके खामोशी के साथ उसके माहौल को देखें, जहां तलबा रहते हैं, जहां दीन के वकार का ख्याल होता है, वकार के मुताबिक काम करते हैं, बिल्कुल ये बड़ा बेहतरीन। इसका यहां खसूसियत के साथ जिक्र किया, फी सबीलिल्लाह से मुराद यहां तलबा उम्मीदीन है, उसका खसूसियत से जिक्र किया। लिल फुकरा उन फुकरा के लिए है सदकात, अल्लज़ीन उहसरू जो रोके गए, फी सबीलिल्लाह अल्लाह के रास्ते में, इल्म हासिल करने ने उनको रोका है कारोबार करने से, ला यस्ततीउन ज़र्बन फिल अर्ध वो ताकत नहीं रखते चलने की जमीन में, मतलब चलने की इल्म की वजह से, यहसबुहुमुल जाहिलु जाहिल से मुराद यहां पर है नावाकिफ न जानने वाला, उसी को जाहिल कहते हैं ना, जाहिल के माने न जानने वाला, यहसबुहुमुल जाहिलु अग्निया मिनत ताअफ्फुफ ख्याल करता है उनको नावाकिफ आदमी कि ये तो गनी है सारे, क्यों क्यों ख्याल करते हैं, मिनत ताअफ्फुफ न मांगने की वजह से, ताअफ्फुफ पाकदामन रहने की वजह से, सवाल न करने की वजह से, तारीफुहुम बिसीमाहुम आप उनको पहचानेंगे उनकी अलामात से, उनके पेशानी से और उनके जो है वो बाकी निशानात वगैरह से पहचान लेंगे कि हां भाई ये मसरफ है मुस्तहक है। ला यसअलून अन्नास इल्हाकन सवाल नहीं करते लोगों से चिमट करके, लोगों के पीछे पड़ जाए दो ये किस्म के चिमट कर सवार नहीं करते। वमा तुन्फिकू मिन खैरिन और जो भी तुम खर्च करोगे खैर में से, फइन्नल्लाह बिही अलीम बस बेशक अल्लाह ताला उसको जानते हैं, अल्लाह को मालूम है सब। अब वो सदके का वक्त क्या होना चाहिए, आखिरी मसला बता रहे, पांचवा मसला है आज के सबक में, सदका देकर ये अगर हम सदका वगैरह देना चाहते हैं अल्लाह की राह में कुछ देना चाहते हैं कब दे, अल्लाह ताला ने फरमाया कोई टाइम की पाबंदी नहीं। अल्लज़ीन युन्फिकून अमवालहुम वो लोग जो खर्च करते हैं अपने मालों को, बिल्लैल और रात में, वन्नहारे और दिन में, सिर्रन छुपकर, वअलानियतन और खुलकर, फलहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम पर उसके लिए उनके लिए अजर है उनके रब के यहां, वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून न उन पर कोई खौफ होगा न वो गम करेंगे। तो कोई टाइम की पाबंदी नहीं और कैसे दे तो उसकी पाबंदी नहीं, बता दिए। तस्वीर का दूसरा रुख ये तो बता दिया कि रिस्क हलाल अल्लाह की राह में दो, सदकात दो, ये माल बढ़ता है, माल के अंदर बरकत आती है, बरकत। दूसरी तरफ अब सूद है, मनफी पहलू है उसका, सूद रिबा, बज़ाहिर माल बढ़ता है लेकिन हकीकत में बरकत खत्म हो जाती है, कसरत अलग चीज है बरकत अलग चीज है, उसका जिक्र किया उस पहलू का, सूद का जिक्र फरमा रहे। फरमा अल्लज़ीन याकुलून रिबा वो लोग जो खाते हैं सूद, खाने का जिक्र किया तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी जो है वो कारोबार वो हो गए, ये मतलब आमतौर पर इंसान माश इसलिए करते हैं कि बुनियादी मसला पेट होता है ना, तो उसका जिक्र कर दिया। अल्लज़ीन याकुलून रिबा वो लोग जो खाते हैं सूद, ला यकूमूना वो खड़े नहीं होंगे क़यामत के दिन, क़यामत के रोज, इल्ला कमा यकूमुल्लज़ी यतखब्बतुहु शैतानु मिनल मस मगर उस शख्स की तरह जो खड़ा होता है जिसको बदहवास बना दिया हो शैतान ने मिनल मस्सी चिमट कर, बदहवास। आपने मेरे ख्याल में देखा होगा बाद लोगों पर जब जिन्नात वगैरह आते हैं ना, अगर हम असरअंदाज हो जाते हैं तो उनकी अजीब एक कैफियत होती है, कभी देखा है
मैंने एक दो को देखा है लेकिन बड़ा खतरनाक मामला होता है उससे, बड़ा अजीब सा होता है वो, बहुत एक अजीब कैफियत होती है उसके ऊपर, बिल्कुल वो पागलों की तरह कभी उधर कभी इधर और अजीब अजीब बातें करते हैं ये। तो फरमा इनकी मिसाल बिल्कुल सूदखोर की मिसाल, अच्छा सूद की तारीफ ये है कि असल में आगे थोड़ी सी तफसील आ रही है उसमें भी आ जाएगा लेकिन देख लें, सूद की तारीफ ये है कि आप किसी को कर्ज दे, कुल कर्ज जर्रा नफान, ये सूद की तारीफ है, अरबी में लिखनी है उर्दू में, कुल कर्ज जर्रा नफान तो हुआ रिबा, हर ऐसा कर्ज कि जिसके जरिए से नफा हासिल किया जाए, जर्रा नफान तो हुआ रिबा, जर्रा जी मरा बस जर्रा हुआ, हर ऐसा कर्ज जिसके जरिए से मफाद हासिल किया जाए, नफा हासिल की जाए, वो है क्या, वो सूद है। इसलिए कि अजीज में देखें, पहली बात तो यह है कर्ज लेने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हत्तल इम्कान फरमाया कि कर्ज से अपने आप को बचाओ मत लो, इस गन से अपने आप को बचाओ। देखिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है मुआमलात के हवाले से भी, फिर बाकी एक दूसरे हुकूकुल इबाद का भी मसला है, बड़ी जिम्मेदारी होती है। इल्लद्दैन शहीद के लिए फरमाया कि शहीद हो गया तो सब कुछ माफ, लेकिन देन माफ नहीं है, इसलिए कि दूसरे का हक मुताल्लिक है ना, तो लेकिन इंतहाई मजबूरी में लेना है देना है तो फिर लेने देने वालों के लिए उसूल बताए, देने वाले को लेने वाले को चाहिए कि भाई पूरा पूरे वादे का ख्याल रखे, वक्त पे दे, नहीं के टाल मटोल से काम ले फिर। और देने वाले के लिए ये फरमाया कि देखें आपने दी अल्लाह की रजा के लिए तो अब आपकी हमदर्दी होनी चाहिए, इस्लाम में हमदर्दी की बुनियाद पर है, उसके पीछे आपकी हमदर्दी हो कि भाई इसको दो ताकि वो, अब उसको वक्त पर करना, लेकिन आपको पता लगा कि भाई आपका मकरूज अदा करने की पोजीशन में नहीं है, इंसान है बेचारा परेशान है माशी तौर पर, वो नहीं दे सकता, तो उस वक्त आप क्या करें, आप उसको मोहलत दें। तो फरमाया कि तंगदस को मोहलत देना, जो मोहलत देगा अल्लाह की रजा के लिए अल्लाह ताला अर्श का साया आता फरमाएंगे, क्योंकि वो एक बर्दाश्त का मसला होता है, बड़ी चीज होती है ये, असल में अल्लाह की तरफ से एक हौसला अल्लाह दे देते ना, नहीं तो मैंने देखा बाज लोगों में कई में हमारे पास मसाइल आते हैं, ऐसे लोग फिर अजीब अजीब बातें करते हैं, आदमी हैरान हो जाते हैं, लेकिन वापस करने में ये लोग उज्जत करता है, फिर भी उसको मोहलत दे, फिर क्यों दो उसको देना चाहिए, फिर भी मोहलत मांगता है, नहीं अगर उसके देने की ताकत है और टाइम पूरा हो चुका उसको देना चाहिए, आप पकड़ो उसको बोलो इसका मतलब तो गड़बड़ है ना, वो अलग चीज हो गई, मैं मजबूर की बात कर रहा हूं, बात हो रही है मजबूर की, अगर मजबूर है फरमाया मजबूर को अगर आपने मोहलत दी अल्लाह की रजा के लिए अर्श का साया अल्लाह ताला फरमाएंगे। एक दूसरी बात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते जितना जितनी मोहलत आप देंगे जितने दिन की, आपको पता है कि ये मजबूर है, जितने दिन की मोहलत दी जितनी रकम आपने दी है हर रोज इतने रकम के बदले आपको सत्तर का अजर मिलेगा रोजाना, ये इस्लामी उसूल है। लेकिन सूद में क्या होते, सूद में नहीं, सूद बल्कि बाकायदे एक मंसूबे के तहत वो उसकी तहरीक चलाते हैं, उसको देते हैं, उनका कारोबार उसके बगैर नहीं चल सकता, बैंक निजाम है सारे बड़े बड़े निजाम है ये इसके बगैर चलते नहीं है, उनके पीछे उनकी नीयत ये होती है, एक क्रेडिट कार्ड है उसके लिए इश्तिहारात लगाए हुए हैं, साइन बोर्ड लगाए हुए, अखबार में इश्तिहार लग रहे हैं, तो क्यों दे रहे, उनका कारोबार है ना, इसी बुनियाद पर वो देते हैं। उनका इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि वो एक मरतब कूफा में जा रहे थे, मकान धूप का वक्त है, मतलब धूप थी सूरज दिन का वक्त था, तो मकान के सायों सायों में जा रहे थे, एक मकान के साये से हट करके धूप में आ गए, फिर चलते चलते फिर साये में चले गए, तो किसी ने कहा हजरत आपने क्या किया, कहने लगे ये आदमी मेरा मकरूज है, मैं नहीं चाहता हूं कि इसके मकान के साये से भी मैं फायदा उठाऊं, तो ये चीज भी होती है ना। लेकिन आजकल के दौर में असल में मुआमलात बड़े हसास हो गए, लोग बड़े बेहस हो गए मुआमलात में,
मुसलमान ने तो सिरे से मुआमलात को दीन का हिस्सा ही नहीं समझा कि ये दीन का हिस्सा, हालांकि वो अल्लाह ताला हुकूकुल्लाह के इससे ज्यादा हुकूकुल इबाद की ताकीद फरमाते हैं। कि जो आदमी हुकूकुल इबाद का ख्याल नहीं कर सकता वो हुकूकुल्लाह का भी नहीं कर सकेगा। अच्छा, वो जरूरी चीज है, तो ये है मसला। कमा यकूमुल्लज़ी यतखब्बतुहु शैतानु मिनल मस, उस शख्स की तरह, फरमाया वो खड़े नहीं होंगे मगर उस शख्स की तरह जो खड़ा होता है जिसको बदहवास कर दिया हो, जिसको मिसाल के तौर पर क्या कहते हैं उसको मुतासिर कर दिया हो शैतान ने, जिन्नात शैतान से मरा जिन्नात है, वो भी शैतान भी जिन है, कान मिनल जिन्न। अच्छा, मिनल मस से चिमट कर, बिल्कुल ऐसे आए, यानी सूदखोर जो है ना वो क्यामत के दिन मैदान महशर में बिल्कुल पहचाने जाएंगे, नुमाए नजर आएंगे, उनके चलने का अंदाज, उनके उनका उनका अलग अंदाज होगा, पता लग जाए कि ये सूदखोर है। ये क्यों? ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا, ये इसलिए कि बेशक उन्होंने कहा कि बै पुख्ता बात है, इन्नमा पक्की बात है, अलबैउ खरीदो फरोख्त कारोबार, मिस्लु रिबा सूद की तरह, उल्टा कर दिया। देखे ना, एक आदमी की फितरत, मैं एक मरतबा अखबारात में देख रहा था कि जब ये सूद की हुरमत का फतवा आया था और बैंकों ने ये मसला उठाया, तो ये गालिबन यूबीएल ने उठाया था सबसे पहले अखबारात में, तो कहने लगे इसके बगैर तो हमारा माशी निजाम नहीं चल सकता, और बड़ी अजीब अजीब बातें लिखी थी अखबार में। ये जब आदमी की सोच जब बदल जाती है ना, तो देखें अब उन्होंने उल्टा कर दिया। कारोबार में भी तो नफा नुकसान होता है, होता है नहीं? कारोबार नफा और नुकसान का नाम है, उन्होंने उल्टा कर दिया। उन्होंने बनाया मकीस किसको बनाया? सूद को, असल सूद को समझा, कारोबार को उसको के ऊपर प्रयास किया, हालांकि असल कारोबार है। तो ये उनको यूं कहना चाहिए कि भाई सूद और कारोबार में क्या फर्क है, उसमें भी नफा नुकसान होते हैं, इसमें भी नफा नुकसान होता है, क्यों मनाए? बात ये भी कर सकते थे वो, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, कारोबार भी तो सूद की तरह है, इसका मतलब सूद सही है, कारोबार भी है, वो भी कारोबार है, ये भी कारोबार है, इतना वो समझते थे। असल में आपने बहुत बड़ा उनवान छेड़ दिया, ये बड़ा मसला है, और ये अलग में पूछो, ये बहुत बड़ा मसला है, ठीक है ना? इस्लामिक बैंकिंग का मसला कहते क्या है, ये बड़ा मसला है, इसको अभी नहीं छेड़ते, दुनिया हिल गई है, हम भी हिल जाएंगे फिर, ठीक है? कालू कहने लगे, इन्नमा पुख्ता बात है, अलबैउ खरीदो फरोख्त, मिसलुर्रिबा सूद की तरह है, हालांकि वह अहल्लल्लाहुल बैआ, अल्लाह ताला ने हलाल किया है बैअ को, खरीदो फरोख को, वह हर्रमर्रिबा और हराम किया है सूद को। बहुत वाज़ेह फर्क है दोनों में, सूद को हराम किया है। फमन जाअहु मौइज़तुम मिन रब्बी, पस जिसके पास आई नसीहत उसके रब की तरफ से, फन तहा और सुनते ही वो भाग आ गया कि भाई खत्म, मेरे रब ने सूद को हराम करार दिया। फन तहा बाज आया, फलहू मा सलफा, तो उसके लिए जो पहले ले चुका है, लेकिन हमारे लिए ये नहीं, अभी इस्लाम लाने के बाद मुकल्लफ हो जाने के बाद ये नहीं है, ये उस वक्त की बात थी जब जमाने जाहिलियत की बात थी। लेकिन फिर भी अगर एक आदमी मिसाल के तौर पर उसमें हो तो उलमा से मशवरा करके जज्बाती कदम कभी नहीं उठाना चाहिए, मान लो होते ना जज्बात में, ये भी नहीं कि बिल्कुल गाफिल हो जाए। देखिए सबसे बड़ी नियामत अल्लाह ताला की मैं बताऊं इस दौर में, मैं नहीं कहता, जो बड़े कारोबारी लोग हैं इस वक्त, देखिए दो सूरतें, 100% अगर एक आदमी कहे कि मेरा पैसा बिल्कुल 100% बिल्कुल पानी, ये सब जो है वो हलाल हो। देखिए आजकल दुनिया बहुत मशकूक हो गई है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ना कि सूद इतना आम हो जाएगा, क़यामत की अलामत में से इतना आम हो जाएगा कि एक आदमी कितना भी बचना चाहे लेकिन उसका उबार जरूर पहुंचेगा, उसको बचेगा कोई नहीं, मौलवी भी नहीं बचेगा, कुछ ना कुछ तो है ना, ये चीजें होती है।
तो बच तो कोई नहीं सकता, अल्प खसूसा कारोबारी लोग हैं, उनको बहुत सारी चीजों से बैंक से उनका वास्ता कभी पड़ जाता है, या मिसाल के तौर पर बाकी चीजों में। इसमें थोड़ा सा ये तवाजुन लाना चाहिए कि बिल्कुल हराम के अंदर बराह रास्त मुबतला होना या कोई ऐसा हराम वो है उसको तो खत्म, इख्तियार में है खत्म कर सकता है वो तो करना चाहिए, एक बात जो इख्तियारी है। एक है गैर इख्तियारी मसला, गैर इख्तियारी आपके इख्तियार में नहीं है, आप पाकिस्तान में रहते हैं, आप दुनिया के किसी मुल्क में रहते हैं और मुल्क का कानून तो आपके इख्तियार में नहीं है ना, वो तो आप नहीं चला सकते ना, उसको बदल सकते हैं। अब आपको मुल्क का कानून मजबूर करता है जबरदस्ती रिश्वत दो और उसके बगैर आपका काम हो नहीं सकता। आप बिल्डिंग बनाते हैं, आपने इस जज्बे के साथ काम शुरू किया मैं हलाल कारोबार करूंगा और उधर जाके आपका नक्शापात नहीं हो सकता जब तक आप उनको दे नहीं, ये कानून आपको मजबूर कर रहा है और ये आपके इख्तियार में नहीं है। और कुरान में ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, हमने मुकल्लफ नहीं बनाया है इंसान को मगर उसकी ताकत के मुताबिक। इंसान सोच समझ के हलाल रोजी का अपने लिए इंतजाम करे और फिर उसमें गैर इख्तियारी रुकावटें आ जाए जो इंसान के इख्तियार में बस में न हो उसको हटाना। अब कल एक साहब आ गए बहुत रो रहे थे बेचारे, कहने लगे बस वो आज जी नई हुकूमत जो आई है एक महीने में 4.25 हमारे ऊपर टैक्स लगा दिए, ये तो कुछ नहीं, बहुत साफ सुथरा कारोबार है, टैक्स भी वक्त पे, बड़ा अच्छा आदमी है, रात को तफसीर में आता है। कहने लगे पता नहीं क्या किया, खाम खा इतना परेशान कर दिया, तंग कर दिया, अब समझ में नहीं आता, तो सारा माल हमारा वहां रोका हुआ पोर्ट पे, आने नहीं देते, ये तो दो पहले। अब वो बड़ा मसला हो गया, क्या मसला पूछने के लिए आया था। तो ये ऐसी चीजें आपके इख्तियार में नहीं, क्या करेंगे आप, कानून तो आपके हाथ में नहीं है ना, तो ये गैर इख्तियारी मसाइल है। तो जो आपके इख्तियार में नहीं है और आप मजबूर हो करके अपने कारोबार को चलाने के लिए ऐसा करते हैं उस पर आपका मुआखजा नहीं है, और अगर इख्तियार में हो बच सकता हो फिर भी मुबतला हो तो फिर वो फिर बड़ा मसला है। इसलिए हम हमारे उलमा उन लोगों को ये मसले बताते हैं जिनका कारोबार मिसाल के तौर पर मुलाजमत है या कारोबार मुनासिब नहीं, उनको कहते हैं तुम एकदम बदलो नहीं, फौरन तुम मुतबादल शुरू करो, सोचो लेकिन इखलास के साथ। ये भी नहीं कि हाँ ठीक है मैं सोचता हूं यार ये ठीक नहीं है मेरा कारोबार, ये नहीं, अल्लाह की रजा के लिए पूरे इखलास के साथ मुतबादल सोचना शुरू कर दें, दूसरा काम ढूंढना शुरू कर दें, जब दूसरा काम मिल जाए तो उसको छोड़ दें, या फिर थोड़ी सी तनख्वाह कम मिले उसमें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से कई साथियों को मैंने ऐसा सिलसिला ये प्रोग्राम दिया और कई साथियों को मैंने इस किस्म के जो मशकूक रोजियां थी उससे हटा के अल्हम्दुलिल्लाह उनका काम चल रहे, बड़े खुश है। तो ये भी बड़ी चीज है, इसका गैर इख्तियारी मामला पर मुआखजा नहीं, वो इख्तियार में हो उससे बचना चाहिए। फमा फमन जाऊ मोहतुम रबी, पर जिसके पास पहुंची नसीहत उसके रब की तरफ से, फनता बस वो बाज आया, फलहू मा सलफा बस उसके लिए है जो हो चुका पहले, वह अमरुहु इल्लाह और उसका मामला अब अल्लाह के हाथ में, वमन आदा और हुक्म आने के बाद जो वापस लौट आया उसे पता लग गया सूद हराम है, उसे पता लग गया सब चीजें हराम है, वमन आदा और वापस लौट आया उसकी तरफ कर रहा है परवाह नहीं है, फौलाइक अस्हाबुन नार हुम फीहा खालिदून, बस वो आग वाले आग में हमेशा रहेंगे सब में, बड़ी सख्त वईद है। देखें लेकिन बात को समझे, ये कहते यक मन इलम रा दह मन अकल बाशत, एक मन इलम के लिए है ना 10 मन अकल चाहिए, ठीक है। कुछ दिन में एक जगह बैठा हुआ था कुछ दोस्तों के साथ, रात को प्रोग्राम था, बात छेड़ दी उन्होंने, देखो ये कर रहे फला ये कर रहे, मैंने कहा देखो तुम मुसलमानों को बाहर मत निकालो ईमान से दीन से, तुम ये मत कहो कि मैं दीन का काम कर रहा हूं दूसरे ने, मैंने कहा देखो ये बातें न छेड़ो आप, ये सोचो कि मैं क्या कर सकता हूं, बस खत्म अल्लाह की रजा की। मैंने कहा फलां क्या करता है फलां क्या करता है, मैं क्या करता हूं, मैं और आपने क्या किया, तो ये चीजें होती है ना। तो ये अब वो ये आयतें छेड़ दी फला का सामना, लेकिन ये मुफ्ती हजरात का काम है। देखिए ये मुत्तफ़क़ा मसला है मुसलमान के ईमान को, हम नहीं कहते बहुत गलत कर रहे हैं,
बहुत बड़ा गुनाह है, अल्लाह ताला से ऐलान जंग है, बगावत है, सब अपनी जगह है। लेकिन वो बहुत बड़ा फासिक कह सकते हैं उसको, काफिर नहीं कह सकते उसको। और उसूल ज़ाब्ता कानून अल्लाह ने ये बनाया है कि जो सूदी लेन देन कारोबार करता है और हराम समझता है उसको, वो समझता है कि ये हराम है, वो फासिक है, काफिर नहीं है। और जो फासिक है वो हमेशा जहन्नम में नहीं रहेगा, बल्कि उसको सजा मिलेगी अपने गुनाहों के मुताबिक, जितने गुनाह होंगे उसके मुताबिक सजा मिलेगी, लेकिन बिल आखिर अल्लाह ताला निकाल देंगे। ये अल्लाह ने हमें और अल्लाह के रसूल ने बताया, बाकी वल्लाहु आलम क्या होगा क्या नहीं होगा तो हमें नहीं मालूम, अल्लाह बेहतर जानते हैं। लेकिन हमें जो एक ज़ाब्ता बताया गया, लेकिन अगर हलाल समझे, खतरनाक मसला ये आ रहा है, अगर उसने हलाल समझा, हलाल समझना जुबान से कहा या उसकी सोच ये बन गई, जुबान से नहीं कहते लेकिन उसकी सोच ये बन गई कि ये सूद जो है ये तो हलाल है, क्यों हराम है, इसे काफिर कहते थे, तो फिर मसला बड़ा खतरनाक हो जाता। हलाल को हराम समझना या हराम को हलाल समझना, ये कुफर है, ये पक्का मसला है। किसी हलाल को आपने हराम समझ लिया कि ये हराम है, या हराम है उसको आपने कहा ये हलाल है, बस फिर बड़ा खतरनाक मसला हो जाता है। समझ रहे बात को? तो ये मसला है। अगर उसकी सोच ये बन गई कि इसके बगैर तो हमारे माशी निजाम नहीं चल सकता, सूद के बगैर, तो इसका मतलब उसकी सोच बड़ी खतरनाक है ना, ये चीजें खतरनाक है। इस एतबार से कहा वह मन आगा जो लौटा इस सोच के साथ कि सूद के बगैर तो कारोबार नहीं चल सकता, सूद के बगैर तो हम चल ही नहीं सकते, या उसने कहा कि ये क्यों मनाए हराम है, नारी पस वो आग वाले हैं, हम फीहा खालिदून, आग में हमेशा रहेंगे। समझ गए बात को? अगर हलाल समझा तो फिर कुफर है। फरमाए यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदकात, अल्लाह ताला मिटाते हैं सूद को, सूद को मिटाते हैं, व युर्बिस सदकात और सदकात को बढ़ाते हैं। मेरे ख्याल में हमारी समझ कितनी है? बहुत थोड़ी है ना, बस वो दुनिया की बोली हम बोलते हैं, दुनिया की सोच पर हम सोचते हैं। तो किसी चीज में बजाहिर तरक्की का होना ये उसकी कामयाबी की निशानी नहीं है, ये मेरी आपकी सोच है, ये अल्लाह ताला की तरफ से अगर ढील मोहलत मिल जाए और अल्लाह ताला ये एक वो मिल जाए थोड़ी सी मोहलत और वो बड़ी तरक्की नजर आए, तो मेरे ख्याल में ये मोहलत है, इसको आप तरक्की और वो नहीं कह सकते कि देखो ये तरक्की है, इसके बगैर निजाम नहीं चल सकता। हाँ ये तो बैठेगा, बिलाखिर बैठेगा सब ये। और फिर दूसरी बात ये कि देखें कसरत, अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने, कसरत अलग चीज है, बरकत अलग चीज है, कसरत और बरकत में फर्क है। हमें इस बात का पाबंद बनाया गया हमें अल्लाह ने कि तुम हमेशा बरकत को बुनियाद बनाओ, कसरत के पीछे न पड़ो, बड़े पुरसुकून रहोगे। जिस मुसलमान के मुआमलात वाजे दो टोके वो कभी जहनी परेशान नहीं होगा, वो जो उधर हाथ मारता है इधर हाथ मारता है, अपनी चादर से ज्यादा पैर फैलाने की कोशिश करता है, उधर कारोबार इधर, बेचारा परेशानी में चला जाता है। मैंने देखा है बहुत परेशान लोगों को जिनका कारोबार बिल्कुल महदूद है, कंट्रोल में, वक्त पे उसूल के पाबंद है, अल्लाह ने और उसी में अल्लाह बरकत भी दे दे कसरत भी दे दे, मैं नहीं है। लेकिन इंसान पागल हो जाए बिल्कुल, न नमाज का वक्त है, न नमाज की पाबंदी है, न कोई घर के लिए उसूल है, न कोई जिंदगी का कोई तरीका है, बस कारोबार ही कारोबार, पैसा पैसा ही पैसा है। वो बेचारे बहुत परेशान होते, बहुत बुरी तरह परेशान होते थे जहनी तौर पर। इसलिए अपने कारोबार को कंट्रोल में रखना कमाल है, आपका इतना कारोबार हो कि आपका बिल्कुल मजबूत कंट्रोल हो। बड़े बड़े झटके लगे, आप देखो ना कारोबारियों को बड़े बड़े झटके लग गए दुनिया में, मेरे ख्याल में जो कम लोग हैं वो परेशान नहीं हुए। कौन परेशान हुआ? जो बड़े कारोबारी वो परेशान है नहीं होता है। हवास बाख्ता तो होगा ना, जब पूरा पूरा
مرکز جب ہل جاتا ہے تو شاخیں تو ہلیں گی نا. مرکز اعظم امریکہ ہل گیا تو علمبردار ہے نا اس وقت معاشی نظام کا, جس پہ چاہے پابندی لگا دے, جس پہ چاہے رازق بنا ہوا رزق اپنے پاس, کہ کہتے ہیں رازق میں ہو, جس پہ چاہے مسلمانوں پر پابندی لگا, اقتصادی پابندی انجام تو ہوتا ہے نا, اللہ ایک دن دکھاتے ہیں. اور ابھی دکھایا نہیں, تماشا دیکھتے ہو آگے ہوتا, کیا کہتے ہیں, دیکھیے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا, پھر آگے دیکھیں انشاءاللہ زبردست انجام دیکھیں. اللہ کی جو ہے نا وہ کیسی پڑتی عمر. فرمایا یمحق اللہ الربا, اللہ تعالیٰ مٹاتے ہیں سود کو, ویربی الصدقات, اور بڑھاتے ہیں صدقات کو, اس میں برکت ڈالتے ہیں. واللہ لا يحب كل كفار اثيم, اور اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہر ناشکری کرنے والے, کفار ناشکری کرنے والے کو, جو ناشکری کرے کسی بھی طریقے سے ناشکری کرے اللہ کے احکام کو, حرام رزق حرام کا سب ناشکری ہیں, اثیم گناہگار کو پسند نہیں کرتا. درمیان میں ایمان والوں کی تعریف بھی کی بیچ میں, ان الذین آمنوا, بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے, وعملوا الصالحات, اور جنہوں نے اچھے عمل کیے, وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ, اور قائم کی نماز, وَآتُوا الزَّكَاةَ, اور دی زکات, لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ, ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے ہاں, ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون, نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ وہ غم کریں گے, دنیا میں بھی غم نہیں کریں گے آخرت میں بھی نہیں کریں گے, ان کا معاش بالکل صاف ستھرا ہے, بالکل واضح. آگے فرمایا یا ایها الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو, دیکھیں ایمان والوں کو خطاب ہو رہا ہے, ایمان والوں کو جب خطاب ہوتا ہے قرآن کریم میں تو اللہ تعالیٰ عمل کی طرف توجہ دلاتے ہیں, ورنہ عام حکم جب اللہ تعالیٰ دیتے ہیں تو یا ایوہ الناس کہتے ہیں. یا ایوہ الذین آمنوا سے مقصد اللہ کا یہ ہے کہ عمل کی طرف دعوت دے رہے ہیں, یا ایوہ الذین آمنوا, اے ایمان والو, اتقوا اللہ, اللہ تعالیٰ سے ڈرو, اللہ کی نافرمانی سے بچو, وذروا ما بقی من الربا, اور چھوڑو جو باقی ہے سود میں سے, سود میں سے باقی ہے. ان کنتم مؤمنین, اگر ہو تم یقین رکھنے والے, مومن ہو تو چھوڑو. فإن لم تفعلوا, پس اگر تم ایسا نہ کرو, سود کو نہیں چھوڑو گے, فأذنوا, پس تیار ہو جاؤ, فأذنوا, تیار ہو جاؤ, بحرب, لڑائی کے لیے, من اللہ و رسولہ, اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے, اعلان جنگ ہے. وَإِن تُبْتُمْ, اور اگر تم توبہ کر لو, فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ, پس تمہارے لیے تمہارا رأس المال ہے, اصل سرمایہ ہے, جو تم نے رقم لگائی ہے اصل, وہ رقم ہے تمہارے لیے, بس اس پہ سود وغیرہ مت لو, بچو. لا تظلمونا, نہ تم زیادتی کرو, ولا تظلمونا, اور نہ تم پر زیادتی کی جائے, یہ بھی نہ تم زیادتی کرو کہ نہیں میں تو جو ہے وہ سود لوں گا, نہیں مت لو, بچو. ولا تظلمونا, اور نہ تم پر زیادتی کی جائے, اگر کسی کو مشورہ دو بینک میں اگر اس قسم کے وہ ہے سود وغیرہ کا کھاتا ہے, ان کو یہ نہیں بولو کہ سود والا کھاتا ان کو چھوڑ دو, وہ تو یہ چاہتے ہیں, وہاں سے نکالو غریبوں میں تقسیم کر دو, صدقے کی نیت سے نہیں, بلکہ کس نیت سے, میں نے بتایا تھا مسئلہ, اگر حرام مال آدمی کے پاس ہے تو اس کو صدقے کی نیت کر کے نہیں دے سکتے نا, جان چھڑانے کی نیت سے کہ اس حرام سے میری جان چھوڑ جائے, ان کو ہی چھوڑو. ابھی اس دن ہمارے ایک نوجوان ساتھی وہ لایا, کیا کہتے ہیں اس کو, وہ جو بجاتے ہیں اس پر, گٹار کہتے کیا بلا کہتے ہیں, وہ لائے بہت قیمتی, ماشاءاللہ ہمارے نوجوان آج کل بڑے بدل لے, چلے کیا کرو, میں نے کہا توڑو,
तो लोगों ने मशवरा दिया बेचो, तो मैंने कहा किसको बेचोगे? मैंने कहा जिसको बेचोगे आगे वो जब उसको बजाएगा तो फिर आपको भी इसमें सत्ताई जारी है, आपके लिए सवाब मिलेगा, फिर मसला खराब होगा, क्या करोगे उसको? वो लाया उसको, इतना कीमती था, दुबई से मंगवाया था। एक नौजवान ने वो जो होता है ना वो हाल के अंदर लगा तो वो डेग वगैरह स्पीकर और पूरी मशीन और वो पूरा सिस्टम लाया था। कहने लगे जब ये मैं लगाता था तो ये अकेला कमरा बंद करके ये बजता था और मैं खुद जो है वो डांस करता रहता था, लगा रहता था। माशाल्लाह वो सारी चीजें लाके यहां रख दी। तो ये उसको बुराई की जड़ को खत्म करो, इसलिए कि अगर आपने दे दिया ये पैसा, आपके पता है कि इतना पैसा आज उस पर काम चल रहा है तो आप तो फिर भी वहां खजे में आ गए ना। उसका तरीका ये है कि दो और इस रास्ते को रोको, ये तरीका। वह इन तुम और अगर तुम तौबा करो, फलकुम रुऊस व अमवालकुम, बस तुम्हारे लिए तुम्हारा असल सरमाया, रुऊस रासुम की जमा है, असल सरमाया, ला तज़लिमूना, न तुम ज्यादती करो कि नहीं भाई अब तो जितना सूद है वो दे दो, मेरा सूद वो नहीं। वला तज़लिमूना, न तुम पर ज्यादती की जाए कि तुम्हारा असल सरमाया तुम्हें न दिया जाए, नहीं नहीं। वह इनकान हो उसरतिन, और अगर वो मकरूह है तंगदस्त, व इनकाना, और अगर है, कौन है जिनको तुमने कर्ज दिया है वो तुम्हारा मकरूह है, जो उसरतिन तंगदस्त है, आपको पता है बेचारा मजबूर है, उसके हालात अच्छे नहीं है, तो फनवीरतुन, पस मोहलत देना है, इला मैसरा, मोहलत सहूलत तक, आसानी तक, आसानी तक उसको थोड़ी सी मोहलत दे दो। वह अंत सद्दकु खैरुल लकुम, और ये कि तुम सदका करो तो तुम्हारे लिए बेहतर है, ये भी सदके की एक शक्ल है। अगर मोहलत देना हदीस में है, ये भी सदके की एक शक्ल है, लेकिन सबसे आला शक्ल ये है कि कभी, लेकिन ऐसा भी नहीं कि कारखाने के लिए बड़े बड़े लाखों पैसे दिए, वह अंत सद्दकु तो नहीं होता ना, फिर वो तो आप क्या, ये भी असल में ये देखें कुरान करीम ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए, सिर्फ अल्फाज में ना उलझे, उसके मफहूम को भी देखना चाहिए, पूरे मफहूम को। ये जो कारोबारी लोग बड़े बड़े पैसे उठाते हैं बड़ी मकदार में, या मिसाल के तौर पर वो देने वाला देने की पोजीशन में है, उसकी ताकतें फिर भी नहीं देता किस चीज की, कभी कभी आदमी की आदत भी बनानी पड़ती है, कभी आदतें लोगों की खराब हो जाती है, तो तंबीह बसा औकात होती है उसको एहसास दिलाने के लिए। और बसा औकात आपको पता है कि वो बेचारा मजबूर है, परेशान है, पता लग जाता है। तो ये खुद आदमी को अल्लाह ताला ने शऊर दिया है, समझ दी है, वो खुद हालात को देख के अंदाजा लगाए। वह इनकान वो उसरतिन, अगर तंगसे, फनजरतुन, पस मोहलत देना है आसानी तक, वह अंत सद्दकु, और ये कि तुम सदका करो बेहतर है तुम्हारे लिए, इनकुन तुम तालमून, अगर तुम जानते हो। ये कुरान करीम की आखिरी आयत है जो नाजिल हुई। अगली एक है अल्यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, वो और एक है ये अहकामात के एतबार से वो है, जैसे ये आयत वत्तकु, बचो डरो, वत्तकु डरो, यौमन उस दिन से, तुरजऊन फीही इलल्लाह, जिसमें तुम लौटाए जाओगे अल्लाह ताला की तरफ, अल्लाह की तरफ लौटाया जाओगे क़यामत वाले दिन से। सुम्मत वफ़ा कुल्लु नफ्सिम मा कसबत, कैसी आयत देखो, मुआमलात के बाद यह आयत लाई जाती है। आपने देखा होगा सबसे ज्यादा तंबीह अल्लाह ने कहा कि तलाक के मसाइल में बार बार, वत्तकुल्ला इन्नल्लाह बिमा तअमलून खबीर बसीर, खबीर बसीर, अलीम समीह, ये अल्फाज इस्तेमाल किए। ये मुआमलात के, मुआमलात का मामला बड़ा हसास होता है, चाहे वो मियां बीवी का मसला हो, घरेलू मसला हो, चाहे कारोबारी मसला हो, हसास मसाइल होते हैं। मुसलमान का पता असल यहां लगता है। फरमाया तुम मतवफा कुल्लु नफ्सिन, फिर पूरा पूरा बदला दिया जाएगा हर नफ्स को, मां का सबक जो उसने कमाया है, वह उमला उजलमूना, और उन पर ज्यादती नहीं की जाएगी, जुल्म नहीं किया जाएगा। ये अब आगे जो है ना कर्ज का जो मसला है, किसी को उधार दो तो उसके क्या उसूल होने चाहिए, ये कुरान करीम की सबसे बड़ी आयत है।
पूरे कुरान करीम में सबसे बड़ी आयत यह है, इसको कहते हैं आयत ही मुदायना, जिसमें अल्लाह ताला ने कर्ज के उसूल वगैरह बताए हैं। कर्ज दो, लिखत पढ़त करो, कैसे लिखो, गवाह बनाओ, क्या उसूल है, टाइम हो गया, कल बताएंगे। الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وآصحابہ اجمعین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحیم اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد